नमस्कार दोस्तों, ईरेल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों को जो है वो अपना ट्रेवल बिजनेस चालू करके ओला उबर में अपनी गाड़ियां लगानी है। तो दोस्तों, बेसिकली इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दोस्तों, आप ये जो वीडियो है वो इसे पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दी है हमने, इसे बहुत शॉर्ट रखा है ये वीडियो को हमने, ताकि आपको भी ज्यादा बोर ना हो ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है, चाहे वो ट्रैवल बिजनेस हो या कोई और बिजनेस हो, तो आपको सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। आपको जो है एक बिजनेस नेम लगेगा। तो बेसिकली अगर आप XYZ ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल्स या XYZ कुछ भी आप एक नाम अपने मन का ले सकते हो। फिर जो है, अगर आप प्रोपराइटर हो, यानी कि अगर आप अकेले ये ट्रैवल बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आपको एक प्रोपराइटर डीड रहती है, प्रोपराइटरशिप की, जो आप एडवोकेट या CA किसी से भी बनवा सकते हो, या तो फिर आप किसी फ्रेंड के साथ या किसी घर वाले के साथ पार्टनरशिप में ये बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। ये भी आपको एडवोकेट या CA बना के देते हैं। ओला उबर में गाड़ी लगानी हो या एक खुद का एक ट्रैवल बिजनेस चालू करना हो, तो इन सब के लिए ये एक बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो हो गया आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन, आप एक नाम सिलेक्ट करके अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दो। उसके बाद जो है आपको एक घुमास्ता लगेगा, लाइक आप ये एक गवर्नमेंट बॉडी, आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है आपको एक लेटर देती है, घुमास्ता लाइसेंस करके जिसे हम बोलते हैं, उसे आपको लोकल गवर्नमेंट बॉडी से लेना है। कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करके, क्या आप ये बिजनेस कहाँ से ऑपरेट करने वाले हो, आपको कितने एम्प्लॉयज होंगे आपके साथ काम करने वाले, और आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, वो XYZ चीजें जो उनको लगती है वो उन्हें देनी है, और आपको ये जो है घुमास्ता लाइसेंस उनसे लेना होगा गवर्नमेंट से। इसको कुछ हफ्ता भर या 2 हफ्ते लग जाते हैं ये चीज के लिए। दोस्तों, अभी अपने 2 चीजें जो मेन लगती है वो कंप्लीट करिए, आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जो है आपका घुमास्ता लाइसेंस निकालना। ये 2 चीजें होगी, अभी आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो आ जाती है। अगर आप ओला उबर में गाड़ी लगाना चाहते हो, तो आपको घुमास्ता लाइसेंस के बिना आप टी परमिट गाड़ी कभी बुक नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका घुमास्ता लाइसेंस आ जाता है, आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो ओला उबर के लिए। सो दोस्तों, अभी हो गया, आपने अपना फॉर्म रजिस्टर कर लिया, आपने एक घुमास्ता लाइसेंस ले लिया और अभी आपने अपनी टी परमिट गाड़ी बुक कर ली। अभी एक और चीज जो यहाँ पे होती है वो है फॉर्म का पैन कार्ड। दोस्तों, आपका जैसे खुद का पर्सनल पैन कार्ड होता है, वैसे ही आपके फॉर्म का भी पैन कार्ड आता है, तो इसे भी आपको एक लेना पड़ता है, क्योंकि ये लेने के बाद आप अपने कंपनी के नाम से करंट अकाउंट अपने बैंक में खोल सकते हो। पैन कार्ड लेने के लिए आपको बेसिक चीजें लगती है, आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स एक्सेट्रा, जो भी छोटी चीजें हैं वो लगती है, वो सबमिट करने के बाद आपको आपके फॉर्म का पैन कार्ड आ जाता है। तो पैन कार्ड मिलने के बाद अपने करंट अकाउंट खोल सकते हो और अपने जो भी फॉर्म के ट्रांजैक्शंस है वो इस करंट अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हो। सो दोस्तों, यही था मेरा एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, जिससे आपको एक बिजनेस हेल्प मिल जाए आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो इस बिजनेस चालू करने के रिगार्डिंग या कोई और बिजनेस चालू करने के रिगार्डिंग, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, हम आपकी उसके लिए जरूर सहायता करेंगे। दोस्तों, हम ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाते, हम जितना शॉर्ट रख सके वीडियोस को हम रखते हैं, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो उन वीडियोस को देखने के लिए, आप भी फटाफट वीडियोस देख के जो है आपको चीजें समझ में आ जाए। सो धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।